एक ऐसी लड़की जिसका गाना सुनने के बाद सुनने वाला बेसुध सा हो जाता है, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, जिसका गाना सुनने के बाद आपका नर्वस सिस्टम शून्य में चला जाए, जिसका गाना सुनने के बाद हर कोई कह उठता है, अरे यार ये था क्या। आपने पाकिस्तानी सिंगर ताहिर शाह का नाम तो सुना ही होगा, वही ताहिर शाह जिसने अपने गानों से लोगों के कानों में परमाणु बम फोड़े थे, अब वही ताहिर शाह को टक्कर देने आ चुकी है ढिंचक पूजा। जी हाँ, ढिंचक पूजा इंटरनेट का नया सेंसेशन, माँ सरस्वती के शराब का नतीजा है और यूट्यूब की सबसे ज्यादा डिसलाइक सॉन्ग्स की मालकिन। उनके गानों को शेयर करने वाले ये वार्निंग देना नहीं भूलते कि हियर एट योर ओन रिस्क। उनका लेटेस्ट गाना सेल्फी मैंने ले ली आज यूट्यूब ट्रेंडिंग में चल रहा है और 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सोशल मीडिया साइट्स पर उनके ढेरों मीम्स बन रहे हैं और हर कोई उनका भरपूर मजाक भी उड़ा रहा है, लेकिन लगता है ढिंचक पूजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक के बाद एक करण बेदी गाने ढिंचक पूजा निकालती जा रही हैं। उनके पिछले गाने दारू 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 और स्वैग वाली टोपी भी लोगों ने भरपूर नापसंद किए थे। पूजा को ये बात पता हो या ना हो, लेकिन म्यूजिक का एक जॉनर क्रिंज पॉप होता है, जिसका मकसद ही लोगों को घटिया लिरिक्स और बिना सुरताल के गानों से इरिटेट करना होता है। अमेरिका में रेबेका ब्लैक नामक एक लड़की भी अपने इसी तरह के गानों से रातों रात मशहूर हो गई थी। खैर, आजकल के टीनेजर्स का ये ट्रेंड भी बन चुका है कि चाहे कुछ भी करो लेकिन सोशल मीडिया पर फेमस हो जाओ, भले ही वो कुछ एक समय के लिए ही क्यों ना हो। ढिंचक पूजा के बारे में अपनी राय आप हमें जरूर 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 बताइएगा। अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।